हाय, दिस इज सुखदा खांडकेकर और आप देख रहे हैं पीएन टीवी। दूसरों को कानून सिखाने के लिए ना, और खुद क्या करेंगे? हमारी मर्जी के बगैर हमारे घर चले आए और आप सरस्वती को हमारे खिलाफ लटका रहे हो। हाउ डेयर यू? आपकी मर्जी, मेरा कहना अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, क्योंकि सरस्वती को वेदिका इतनी पसंद है और वो इतनी अपनी सी लगती है को वो वैसे ही बहाने ढूंढती है उससे मिलने के, उसके साथ वक्त बिताने के। कभी उसके घर पहुंच जाती है, कभी खाना खिलाती है। अब तो मेरी बच्ची, मतलब मेरी चहेती वेदिका, मेरे घर में रहने आ रही है। पहले उसे तैयार की पेल करवाई, फिर सरस्वती को उससे मिलवाने तैयार की, झूठ पर विश्वास करके अपने रीओपन करने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, आप पूजा में सरस्वती की मदद करना चाहते हो। आखिर व्हाट डू यू वांट? साबित क्या करना चाहती हो तुम? बोलो। ठीक, फिर से कहेंगे आप क्या? फिर से कहिए, मैं कुछ सुना नहीं। चलो आ जाओ यहाँ से, तुरंत यहाँ से। सरस्वती आंटी, क्या आप यहाँ आएंगे प्लीज? क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है सामर्थ्य के लिस्ट में? नहीं नहीं, प्रॉब्लम मुझे नहीं, राजेश्वरी मैम से। अरे क्या हो गया दादी? बताइए ना मैम, जो अभी आप मुझे बता रही थी, आप मुझे बता रही थी। वो दादी, आई मीन राजेश्वरी मैम कह रही थी कि आज के पूजा के लिए सवामन का चूरमा वो अपने हाथों से बनाएंगे, है ना मैम? क्या बात है सच मैम, कितनी अच्छी बात है। मतलब इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी मनोकामना आप जरूर पूरी। हम फिर एक बात कहना चाहते हैं, तीन दिन में तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी पर एक मोड़ आता है जब हमारे घर में पूजा है और बस तीन दिन में वो पूजा हमने प्लान कर ली झटपट, और अब वो कैसे होगा? तो वेदिका कहती है कि हो जाएगा, मैं हाथ बटा लूँगी। दिन रात करके हम सारे काम ख़त्म कर दें। नहीं, पूजा होने तक मैं यहीं रहूँगी। अरे नो प्रॉब्लम, हमें क्या प्रॉब्लम होगी? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ऑफ कोर्स रह सकती हो, लेकिन आर यू श्योर बेटा? यस आंटी, दिन रात एक करके पूजा की सारी तैयारी हम कर देंगे, कोई बात नहीं है। चाची की हेल्प कर रहा हूँ। शर्मा, और बस फिर वेदिका ये कहती है और वो रहने आ जाती है। मैं तो बिल्कुल, सरस्वती तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और कई लोग हैं जो बहुत खुश हुए हैं, और कोई कई लोग हैं जो बिल्कुल खुश नहीं हुए हैं। अब वो क्यों नहीं हुए हैं? आपको एक्चुअली वेदिका का एक नया रूप भी दिखेगा, जैसे सरस्वती का आपको एक नया रूप दिख रहा है। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे पुरानी सरस्वती से उसकी अपनी मुलाकात हो रही है। वैसे आपको वेदिका में भी एक स्पार्क नज़र आएगा। नहीं, अभिषेक तो यहीं है, घर में ही है, और जैसे कि ऑफकोर्स अभिषेक भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वेदिका यहाँ पर है, और हालांकि अपनी खुशी इतनी क्लियरली जाहिर नहीं करेंगे वो, पर फॉर ऑब्वियस रीजंस है।